हमारी ये कहानी इसी सिंबोला नामक खतरनाक जंगल से शुरू होती है। ये जंगल हमारी तरक्की की दुनिया और कानूनी हुकूमत से इतनी दूर है कि जहाँ हमारा पहुँचना बहुत मुश्किल है। देखिए इस दिल फरेब झरने का मूसलाधार पानी किस कदर से तेजी दिखा रहा है, मगर अब वही तूफानी पानी खामोश नदी बनकर कितनी खामोशी के साथ बह रहा है। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत जिन्हें दुनिया की आंधी और तूफान अपनी जगह से नहीं हटा सकते, सिंबोला की नाकाबंदी के लिए फौलादे किले बने हुए हैं, मगर इनके पीछे भी वही कितनों के साथ का खूनी देवता इस जंगल में भी मौजूद है। मस्त हाथी अपनी मस्ती में मस्त नजर आ रहा है। ये चालाक चोर बनरिया अपने बच्चे की हिफाजत में लगी हुई है, और ये रहे बनराज जो अपनी वीरता के बलबूते पर इस खतरनाक जंगल में आजादी से हुकूमत कर रहे हैं। वो देखिए एक ने दूसरे पर अपने ही हम जिन्स पर कितनी बेदर्दी से हमला कर दिया। बाहर इंसान और इंसानी ताकत जिसने कि जंगल के राजा को भी जहर करके दिखा दिया। दुनिया का कोई भी हिस्सा भले और बुरों से खाली नहीं। इन वहमी और जाहिल जंगलियों की बस्ती में ये नेक दिल डॉक्टर और इनकी बहादुर बेटी माला अपनी कीमती जान को खतरे में डालकर इनकी हमदर्दी, इनकी इमदाद और इन्हें नई जिंदगी बख्शने में दिन रात अपनी जान लड़ा रहे हैं। और ये रही खूनी दरिंदों से ज्यादा खतरनाक फितरत रखने वाली रानी शीना, जिसका अदना इशारा, जिसका मामूली हुक्म इंसान की जिंदगी और मौत का पैगाम है। जिंगो नाफरमान, हमने क्या हुक्म दिया था तुम्हें? डॉक्टर कुमार के राजनिशान लाने का हुक्म था। तो कहाँ है वो राजनिशान और डॉक्टर का सर? डॉक्टर हमारी जान बचाता है, उसका जान लेना पागलपन है। देवी कमजोर और बुद्धे पर हाथ उठाना बहादुर के लिए अब विश्राम की बात है। ये तो जंगल की रानी के सामने जवाब दे रहा है पाजी, बता तुझे क्या सलाह दी जाए? तीर कलिशाना बना दो। तुझ जैसे नाफरमान को अपने तीरों से नहीं बल्कि शेर से तेरी बोटी बोटी करवा दूंगी। ले जाओ इसे, हमारे शेरे बब्बर राजा के आगे छोड़ दो। Thank you.
ले आओ। शेर को मारा। क्या कहा? जिंगो ने हमारे शेर को मार डाला? हाउ जी माला, उसकी मदद करा। माला? हाउ जी माला जिंगो को ले गया दवाई देव। तब तो आज माला, जिंगो और डॉक्टर को देवी पर भेंट चढ़ना होगा। टेकरी पर जाकर तुम पर हमला करता और मैं भी साथ चलता हूं। Thank you.
आखिर हमें किस खता पर कैद किया गया है? खता? तुम जैसे शहर के मतलबी और खुदगर्ज इंसान यहां भी कोई आफत ढाने आए होंगे। हरगिज नहीं, हम तो सैर करने आए थे, अब तुम्हारे मेहमान बन गए। मेहमान बन गए, कैद हो गए तो मेहमान बन गए, अगर छूटे रहते तो बेईमान बनकर दिखाते। बहादुर बेईमान नहीं होते। हम खूब समझते हैं, ये हमसे राज छीनना चाहती है, शहर से अपने साथियों को बुला बुला कर भड़ा रही है। विजय भैया, जंगली जानवरों से तो यहाँ की औरतें ज्यादा खतरनाक हैं। मैं तो पहले ही कहता था कि न चलो। देवी, देवी आपका कुत्ता, आपका चित्ता, देवी, ओ, 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 विजय भैया, ओ, देवी आपका कुत्ता चित्ता, कुत्ता, ओ, देवी, ओ, देवी, ओ, देवी, आपका कुत्ता, बुज़दिल, बुज़दिल, मैं मारा चाचा बुज़दिल, मैं बुज़दिल, मेरा चाचा बुज़दिल, ओ, चुप है, डरता क्या है? चुप, 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 मैं चुप हूँ, चुप हूँ, मैं एकदम चुप हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ मैं। देवी, हम तो सुनते थे कि जंगल के रहने वाले जितने बहादुर होते हैं उतने रहम दिल भी। किरण, इन जंगलियों की खुशामद करने से तो खामोश मरना ही अच्छा है। ओहो, बहुत गर्मी है तुम्हारे खून में। जिंदा खून कभी ठंडा नहीं होता, चाहो तो छोड़ के तमाशा देख लो। शीना, ये हमारे मेहमान हैं, अगर इनका एक बाल भी बांका हुआ तो पिताजी को तुम्हें जवाब देना होगा। तुम्हारा बूढ़ा और खड़ूस पिता हमेशा मेरे रास्ते में रुकावटें डालता रहा, अच्छा है कि आज वो यहाँ नहीं है, इसलिए आज रात को तुम सब हमारी देवी पर बहर चढ़ा दिए जाओगे। सिंगोला मिंगोला जिंगोला हो हा हा हा, वंबा वंबा होंगा, होंगा जोंगा हो हो, होंगा जोंगा हो हो, होंगा जोंगा हो हो, होंगा जोंगा हो हो। नहीं तो तुमको भी इन सब का साथ देना होगा। डॉक्टर का काम मरने वालों का साथ देना नहीं बल्कि जान बचाना है। मैं हुक्म देता हूं कि इन सबको रिहा कर दो। तुम कौन हो हुक्म देने वाले? मैं इस राजनिशान की हैसियत से कहता हूं कि इन सबको रिहा कर दो, वरना इसकी बेइज्जती तुम सबकी जान ले लेगी।
किसके तरह से? इसे छोड़ दो। तो आप लोग हमसे ही मिलने आए थे? जी मैं नहीं, मिस्टर किरण। कोई खास काम? बहुत खास, जो तन्हाई में कहूंगा। आइए मिस्टर विजय। भाई की जान खतरे में है। मेरा भाई? जी हाँ, रमेश। हरगिज नहीं, ऐसे बदमाश और जालिम को अपना भाई कहना मैं अपनी बेइज्जती समझता हूं। किरण बाबू, मैंने उसके ही लिए शहर छोड़कर यह जंगल बसाया ताकि यहां तो कोई मुझे भाई का ताना ना दे। मैं जानता हूं डॉक्टर कि वो आपके लिए एक बदनुमा दब्बा है, मगर फिर भी भाई है, जो बीमारी से तड़पता हुआ मौत की गोद में जा रहा है। तो क्या वो बीमार है, जेल में नहीं है? जी नहीं, अब वो सुधर गया, और अगर इस बीमारी से बच गया तो बिल्कुल ही सुधर जाएगा। आपकी इंसानी फर्ज है कि आप मेरे साथ चलकर उसकी जान बचाइए। मगर वहां तो मुझसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो है मगर भाई नहीं। आप अगर मेरे साथ चलेंगे तो वो जरूर अच्छा हो जाएगा, यही तो वो रो रो कर कहा करता है। अच्छा, मैं सोचूंगा। सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि एक इंसान की जान खतरे में है। आपको फौरन मेरे साथ चलना चाहिए। समझ में नहीं आता कि तुमको उससे क्यों इतनी हमदर्दी है। रमेश बीमारी और तकलीफ में आपको इस तरह याद करता है जो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए उसकी मदद करने के लिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं डॉक्टर। अच्छा तो मैं चलूंगा। मंगल बढ़ा दे अपना। ना 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 ना।
मैं तेरे हाथ में आऊं, पेड़ों में जा छुप जाऊं, शर्मीले चिल्लाऊं मैं पास हाथ नहीं दुनिया की, तुम मेरी प्यारी पा शर्मीली चल तू सा, छोड़ दे जंगल का मंगल बढ़ा दे अपना जंगल की बिल्ली बिल्ली आ जंगल की बिल्ली तुझे दिखाऊं दिल्ली दिल्ली से बम्बई ले जाऊं मोटर में जूहू दिखलाऊं नन्ना मैं आऊं आ जंगल की बिल्ली तुझे दिखाऊं दिल्ली दिल्ली से बम्बई ले जाऊं मोटर में जूहू दिखलाऊं हलवा खिलाऊं लड्डू खिलाऊं चौपाटी की चाट खिलाऊं हलवा खिलाऊं लड्डू खिलाऊं चौपाटी की चाट खिलाऊं इस जंगल को छोड़ दे चौपाटी चौपाटी ना आऊं हाँ मैं चौपाटी ना आऊं बम्बई ले जाऊं रानी बनाऊं नन्ना 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 अच्छी अच्छी फिल्म दिखाऊं अच्छी अच्छी फिल्म दिखाऊं ला 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 सरगम नीली शान शीश महल का स्थान जो कर सरगम नीली शान शीश महल का स्थान मेरा परदेसी मेहमान अपनों के नाम मेरा मान जो कर सरगम नीली शान शीश महल का स्थान मेरा परदेसी मेहमान अपनों के नाम मेरा मान नई दुनिया दिखाऊं नन्ना मैं आऊं पहली दिखलाऊं मैं चमक चमक नई दुनिया की मेरी प्यारी बात प्यारी बात मिली चतुसा छोड़ दे जंगल का मंगल बढ़ा दे अपना हाथ बढ़ा दे अपना हाथ बढ़ा दे अपना हाथ तेरी मेरी जोड़ी निराली है मतवाली है नखवाली है तेरी मेरी जोड़ी निराली है मामा मामा मतवाली है बाबू ये कुदरती नजारे आपको शहर में नसीब हो सकते हरगिज नहीं जब ही तो मैं यहाँ शहर से ज्यादा अपने आप को खुश पाता हूँ अरे विजय भैया तुम तो खुश हो लेकिन हम तो यहाँ रोज मरते मरते पछते हैं क्या हुआ दीपक बस विजय भैया तुम अपनी और हमारी जिंदगी चाहते हो तो बस यहाँ से जल्दी भाग चलो नहीं तो गोलीला हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा माला बेटी माला मेरा इरादा है कि मिस्टर किरण के साथ शहर हो डॉक्टर साहब आपका बहुत अच्छा इरादा है मैं आपके साथ चलता हूँ अभी चलता हूँ मगर पिताजी आप शहर क्यों जा रहे हैं क्यों जा रहा हूँ दवाइयाँ लाना है ना मगर बेटा तुम्हें अकेले कैसे छोड़ जाऊँ अफसोस की बात है कि मिस्टर विजय को अपना हवाई जहाज चलाने के लिए हमारे साथ आना ही नहीं होगा नहीं तो ये जरूर माला की देखभाल करने के लिए यहाँ रहते क्या सचमुच आप यहाँ रहेंगे हाँ हाँ डॉक्टर साहब आप घबराते क्यों हैं माला की देखभाल मैं खुद करूंगा आप शौक से मिस्टर किरण के साथ जा सकते हैं ताज्जुब है कि एक पायलट आज खुशी से अपने हाथ पैर कटवाने के लिए तैयार है मिस्टर किरण आप मुझसे अच्छे पायलट हैं आप खुद हवाई जहाज ले जा सकते हैं ठीक है डॉक्टर साहब हम कब चलेंगे कल सवेरे जाएंगे जब शहरी जाना है तो दवाई वगैरह लाने का कुछ बंदोबस्त भी करना चाहिए डॉक्टर आखिर जंगलियों की दवाई वगैरह के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं जंगलियों का राजा जो शीना का पिता था वो मुझे हीरे का खजाना दे गया है जिसकी हिफाजत का मैंने जिम्मा ले रखा है जब जरूरत पड़ती है तो एक हीरा बेचकर जंगलियों के दवाई के काम में लाता हूँ जिसका खजाना उसके काम आए लेकिन वो खजाना है कहाँ एक पोशीदा गुफे में जहाँ बिना राज निशान के कोई जा नहीं सकता तो क्या राज निशान खजाने की कुंजी है हाँ अच्छा तो मैं जाकर हीरा ले आऊँ जिसे बेचकर दवाई वगैरह ले आऊंगा वो खजाना देखने के लिए मैं आपके साथ चल सकता हूँ शौक से तुम सब चल सकते हो चलो बेटा Thank you.
के खजाने के अंदर वो ही जा सकता है जिसके पास राज निशान है। डॉक्टर, इतने हीरों के मालिक होते हुए भी आप जंगल में जिंदगी बिता रहे हैं? ये मेरी अमानत नहीं, मैंने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। मैं भी नहीं सुना था, इसलिए कि इस गाने में जंगलों के दिल की पुकार है। मगर तुम मेरे दिल की पुकार क्यों नहीं सुनती? मेरे साथ शहर क्यों नहीं चलती? मगर शहर में ये प्यारी आवाज कहाँ सुनाई देगी? मुझे तो ये जंगल इतना पसंद आया कि बचपन गुजार के यहाँ आई थी और अब सारी जिंदगी यहाँ ही बिता दूंगी। तो क्या मुझे भी तुम्हारा साथ देना होगा? ये अपने दिल से पूछो। पूछा अपनों से जाता है, मगर यहाँ तो दिल भी पराया हो गया। अच्छा निम्मी, यहाँ आओ। निम्मी, यही गाना हमारे मेहमान के सामने शहर की जबान में गाकर सुना। कहते मोहब्बत वाले Come
मकसद लेने आया। तुम नहीं समझी, हम शहर जाता। ना ना ना, तो क्या तुम चाहती हो कि हमें वो कोई रखा जाए? तो फिर हमें शहर जाने दो ना। कितनी अच्छी अच्छा ओ, तुम्हारी निशानी चुलबुली, हम भी तुम्हें अपनी निशानी देंगे। ओ, ये लो। क्या बात है, क्यों मारते हो? मैंने आपका फूल लिया इसलिए। ये आपका फूल आपको बस ये लो, बस ये लो। ये आप ही ले लीजिए। मार जंगल में आके तो मैंने मेरी हड्डी पकड़ी तुलवाई। ये तुम बाकी रह गई थी। ये लो, ये लो, क्यों सर में से सर ये लो सर। कितनी भोली लड़की है, झूम दे दिया आपको। तुमको भी चाहिए, ये लो। चारी बड़ी भोली लड़की है, जाने दो। कितनी अच्छी लड़की है बेचारी। अच्छा, देने दो ना बेचारी, कितनी अच्छी लड़की है, छोटी लड़की है, कितनी अच्छी लड़की है। फूल लगाया? अरे भाई हाँ हाँ लगाया, फूल तो क्या हुआ। शादी, 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 नहीं शादी, नहीं शादी, नहीं नहीं, मुझे जाने दो, डॉक्टर चला जाएगा, मुझे शहर जाना। शादी, 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 डॉक्टर राजनिशान तो ले लिया है ना? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। माला के
क्यों करते हो? तुम तो हमारे मेहमान हो मेहमान। मैं तुम्हारे हाथ का पानी भी पीना पसंद नहीं करता। बैठिए, आपको पानी नहीं पीना है मगर हमको आपसे अमृत लेना है। मेरी सादगी और शराफत ने तुम्हें पहचानने में भूल की, वरना मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ ना आता। खैर, अब आए हैं तो कुछ देते ही जाइए। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? रमेश, देखो इसमें हीरो की कुंजी या राजनिशान है या नहीं। इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं है? बताओ राजनिशान कहाँ है? किरण, मेरा माथा उसी वक्त थनका था जब तुम मुझे राजनिशान ले जाने को जोर दे रहे थे, इसलिए मैं जंगल की अमानत को जंगल में ही छुपाया हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। क्योंकि तुम खुद झूठे हो, इसलिए दूसरे को झूठा समझना तुम्हारी आदत है। देखो डॉक्टर, ये जंगल नहीं जहाँ तुम्हारा राज था, ये कमरा तुम्हारे लिए शेर का पिंजरा है। यहाँ तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे इशारे के मुंतजिर है। जब मैं असली शेरों से नहीं डरा तो तू जैसे कमीने और फरीबी लोमड़ी से क्या डर सकता है? तुम्हारे दिन भर चुके हैं डॉक्टर। मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। खोते हैं अब जागने वाले पाते हैं। नींदो, डॉक्टर चला गया है ना? आओ जी। तो हमें राज निशान उखाड़ना चाहिए। जंगल की रानी चोरी? नहीं नहीं, राज निशान हासिल करने के लिए हमें डॉक्टर का इंतजार करना होगा। आओ जी। और इससे पहले हमें माया का खात्मा करना होगा। Thank you.
हो रहा है ये देखो ना भैया, एक अनार और 100 बीमार। तो किसकी शादी हो रही है? सुंदर सबको फूल लगाया। दीपक, तुमसे किसने कहा था कि इन सब लड़कियों के सर में फूल लगा दो? अरे भाई, मैं इस जंगली रिवाज को क्या जानता था? नहीं जानते थे तो इन सब से तुम्हें शादी करना पड़ेगी। शादी? ओ, ये शादी नहीं, मेरी बर्बादी होगी। माला, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ माला, मुझे बचाओ। जब तक पिताजी ना आए हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या मुझे इन सब लड़कियों से शादी करना पड़ेगी? क्या कहा, पहाड़ की टांग टूट गई? नहीं विजय, पहाड़ से कोई गिर गया होगा, हमें उसकी मदद के लिए बुलाने आया है, चलो। अरे तुम कहाँ जाते हो, मेरी मदद तो करो, मुझे ये लोग छोड़ेंगे नहीं, मैं आता हूँ। Thank you.
वो देख विजय और माला आ रहे हैं। कौन का बीमारी का बताओ का पिताजी को संभालो, ये बीमार है। क्या हो गया पिताजी को? घबराओ नहीं, डॉक्टर की राय है कि जंगल के आबाओं से जल्दी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन पिताजी, माला इनसे ज्यादा बात ना करो, डॉक्टर ने मनाई की है। मगर ये तो बताओ क्या हो गया पिताजी को? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? अरे भाई यहाँ तो मैं डजन से ज्यादा एक्सीडेंट से बच के आ रहा हूँ। ओह डॉक्टर साहब आप आ गए, कैसे आप? चुप, इनसे बात करने की मनाई है। डॉक्टर कहाँ है? बोलने का मना है, डॉक्टर बीमार। मुझे बीमार हमारा खून दो। नहीं जिंगो, पिताजी को सिर्फ आराम की जरूरत है। रानी, दवाई देव आ गया। क्या कहा? डॉक्टर आ गया? हाँ जी,
तो आज रात को डॉक्टर को यहाँ उठा लाना है, समझा? हाँ जी। यही कहीं होगा, चलो जल्दी करें। चल देखा डॉक्टर, हिम्मत न हारने वाली रानी ने आज तुम पर फतेह पाली। तुम हमेशा राज निशान की आड़ लेकर हमारा अपमान करते रहे। शीना, तुम सिर्फ ताकत से काम लेना जानती हो, दिमाग से नहीं। क्या मतलब? तुमने हमें गलत परखा, वरना गिरफ्तार करने के बजाय हमसे दोस्ती का हाथ मिलाती तो राज निशान भी तुम्हारे हाथ में होता। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं तुम लोगों को छोड़ दूं तो मुझे राज निशान मिल जाएगा? हाँ हाँ, पहले हमें रिहा कर दो। आज डॉक्टर खुद मरीज बनकर रानी से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। रानी, ये डॉक्टर नहीं, उसकी छाया है छाया। ये देखो तस्वीर के दोनों पहलू। ये दोनों एक हैं? एक नहीं, एक जैसे, यानी जुड़वा भाई। तुम्हें याद होगा जब मैं डॉक्टर को ले गया और इसे वापस लाया, यही तो तुम्हारी और हमारी कामयाबी है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे तो हीरे चाहिए और तुम्हें राज निशान। तो वो राज निशान कहाँ है? उस डॉक्टर ने कहीं छुपा के रखा है, जिसका पता माला को है, और माला इसे अपने पिता के धोखे में राज निशान दे देती, मगर तुमने हमें वहां देने ही नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चालाक हो। जब ही तो कहता हूं कि हमसे दोस्ती कर लो। तुम हमें धोखा तो नहीं दोगे? हरगिज नहीं। तो तुम हीरे भी पाओगे? हमको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। शीना, हम दोनों को यहां बंधवा दो कि सवेरे माला आते ही हमें रिहा कर ले जाए तो हमारी आशा पूरी हो जाए। तुम्हारी चालाकी मुझे हर बात मानने को मजबूर कर रही है। पिताजी का कहीं पता नहीं, किरण बाबू भी गायब है, वो भी कहीं नजर नहीं आते। शीना, शीना, शीना ले गई। हाँ जरूर। घबराओ नहीं, हम जान की बाजी लगाकर डॉक्टर को छुड़ा ले आएंगे। चलो चलो जल्दी, चलो चलो चलो। Thank you.
उठाई पिताजी ने, मगर ये सुनकर तुम्हें अफसोस होगा कि राजनिशान शीना के पास पहुंच गया। हाँ हाँ बेटी, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ सच कह रहा हूँ। तो हमें जल्द से जल्द राजनिशान वापस लाना चाहिए। अरे भैया, हमें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, हम तो शरीफ आदमी हैं, हम तो जाएंगे। चलो, हम जाएंगा। जाएंगा। आप फिक्र ना करें पिताजी, हम राजनिशान जरूर लाएंगे। चलो विजय। विजय वाला को रोक रखना है, दम करके चिल्ला चिल्ला। क्या हुआ पिताजी? पिता की आंखों के सामने औलाद थी तो दुख दर्द सब भुला हुआ था। ये दर्द मेरी जान लेकर रहेगा। माला बेटी, तुम मेरे पास से न जाओ, न जाओ। माला, जब तक पिताजी को आराम ना हो, हम इनकी हिफाजत करेंगे, राज निशान बाद में ले आएंगे। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा ख्याल है। मैं जानता हूं तुम्हें तीर चलाना अच्छा आता है। तो हट जाओ, वरना तुम खुद शिकार हो जाओगे। खूब, तुमने तो दिल की बात कही। दिल में दो बातें छुपा रखी है हमने, रात की तीर चश्मे नाज का और यार तीर अंदाज की। तीरंदाज की और याद तीरंदाज की। मोहब्बत की दुनिया बसाते रहेंगे, मिला के नजर मुस्कुराते रहेंगे, मिला के नजर मुस्कुराते रहेंगे। मोहब्बत की दुनिया बसाते रहेंगे, मिला के नजर मुस्कुराते रहेंगे। नजर दे रही है नजर को निशानी, जवानी से करती है वाद जवानी। नजर दे रही है नजर को निशानी, जवानी से करती है वाद जवानी। किए हैं जो वादे निभाते रहेंगे, किए हैं जो वादे निभाते रहेंगे। मोहब्बत की दुनिया बसाते रहेंगे, मिला के नजर मुस्कुराते रहेंगे। फलाके
नजारे लुटाते रहेंगे, खुशी के नजारे लुटाते रहेंगे, मोहब्बत की दुनिया बसाते रहेंगे, मिला के नजर मुस्कुराते रहेंगे। जो रूठ होगे तू तो मना लूंगी, रोके कभी रूठ जाऊंगी नाराज होके। जो रूठ होगे तू तो मना लूंगी, रोके कभी रूठ जाऊंगी नाराज होके। यूं ही रूठते मनाते रहेंगे, यूं ही रूठते मनाते रहेंगे, मोहब्बत की दुनिया दर्शाते रहेंगे, मिला के नजर मुस्कुराते रहेंगे, मिला के नजर मुस्कुराते रहेंगे। शीना, मैं तुम्हें शहर ले जाकर ऐसी रानी बना दूंगा कि दुनिया तुम्हारी शान देखती रह जाएगी। फिर मैं और तुम। लेकिन किरण, मेरी शान तो तभी होगी जबकि राजनिशान मेरे पास होगा। राजनिशान हासिल करने के लिए तो क्या क्या चालें चल रहा हूं। विजय और माला यहां आएंगे, मगर ख्याल रहे वो जिंदा वापस जाने न पाए, उसकी तरकीब तुम्हें करनी होगी। तुम इसकी फिक्र ना करो। मुझे माला से अपना बदला लेना बाकी है। बदला लेने के बाद हम दोनों हीरे ले जाकर शहर में राज करेंगे। अब पिताजी को आराम हुआ, मगर जिंदगी खतरे में है क्योंकि राजनिशान दुश्मन के पास। माला, अब हमें राजनिशान लाने में देर ना करनी चाहिए। हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूं। चलो जिंगो। प्यारे पप्पू गोरे गप्पू पास तो मेरे आ, गोरी कर लो झपक झल्लो छोड़ दे मुझको जा। प्यारे पप्पू गोरे गप्पू पास तो मेरे आ, गोरी कर लो झपक झल्लो छोड़ दे मुझको जा। अड़ियल पप्पू मेरे मिठू मीठे बोल सुना, फूल भी सुलटी खोटी खोटी बातें नहीं बना। अड़ियल पप्पू मेरे मिठू मीठे बोल सुना, फूल भी सुलटी खोटी खोटी बातें नहीं बना। भैया 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 औरत की ये जात, इसकी कोई न समझे बात, करती बातों की बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात, मारे गोरी बन के लात। मुटल्ले छोड़ दो वो हल्ला, कहूँ मैं निछल्ली छोड़ मेरा पल्ला। कहूँ मैं मुटल्ले छोड़ दो वो हल्ला, कहूँ मैं निछल्ली छोड़ मेरा पल्ला। मैं जंगल की शेरनी तू शहर का पिला, खाती गाजर मूली तू मैं खाता रसगुल्ला, मैं खाता रसगुल्ला। भैया 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 औरत की ये जान, किसकी कोई न समझे बात, करती बातों की बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात, मारे गोरी बन के लाल। चना फिरा दिमाग मेरा, ओ देखा बड़ा रुबाब तेरा। चना फिरा दिमाग मेरा, ओ देखा बड़ा रुबाब तेरा। मुझे जाने नहीं कहा मने, नहीं नहीं मुझे जाने कहा मने, ओ बना तो ना है तुझसे मुझको नहीं सता। भैया 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 औरों की ये साथ, इसकी कोई न समझे बात, करती बातों की बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात, मारे घोड़ी बन के लात। प्यारे पप्पू गोरे गप्पू पास तो मेरे आ, गोरी कर लो
लो जा, पिघल लो, छोड़ दे मुझको जा। हरियल कट्टू मेरे मिट्टू मीठे बोल सुना। उल्टी सुलटी खोटी खोटी बातें नहीं बना। भैया 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 कारण की ये जात, इसकी कोई न समझे बात। करती बातों की बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात, मारे घोड़ी बन के ला। मैं नहीं आता, जाओ, मैं नहीं आता। नहीं आता? सब लड़की लाल, सब लड़की। ओ, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन उन सब लड़कियों से नहीं। नहीं, तुम शादी से ना जा। अरे भाई, वो शादी कहाँ थी, वो तो मेरी बर्बादी थी, खाना खराबी थी। ए, ए, तुम हमसे शादी करिए। अरे तुम अकेली से शादी करने को तो मैं जरूर तैयार हूँ। वाह वाह दीपा। अबे कौन है बे? अबे शादी करने वाले के बच्चे, बाहर निकल। मगर कहाँ जाना है, किधर जाना है? शीना के पास राजनिशान लाना है। शीना? वाह, बड़ी खराब औरत है। हाँ शीना खराब, देखा खराब। शीना बहुत खराब औरत है, और फिर मेरे कपड़े भी तो गिले हैं। अरे रास्ते में सूख जाएंगे, निकल जल्दी। मेरी बात तो सुनो। ओ डार्लिंग, ओ यार चुनबुनी, सीना बहुत खराब, मैं चलता हूँ। अरे तुम मुझे याद करोगे? मैं चलता हूँ, यही सुनो कुछ, मेरी बात तो सुनो। मगर ओ, ओ। दिंगो, जल्दी चलो। ठीक है।
दीपक, तुझे हुआ क्या? तू भी जल्दी चल पर। शीना, ये लो राजनिशान। औरत जब तक मर्द का सहारा न ले कामयाबी का मुंह कभी नहीं देख सकती। अच्छा, अब फिर चलो। मर्द की जिंदगी में बहार, औरत की मदद बिना नहीं आ सकती। माला आती है। फौजी, अच्छा हुआ शिकार खुद ब खुद अपने जाल में फंसने के लिए आ गया है। तुम सब छुप जाओ और आप दोनों भी। भैया भैया, पिताजी की छीनी हुई अमानत तुमसे वापस लेने आई हूँ। ये रही वो अमानत, मगर तुम इसे जिंदा हासिल न कर सकोगी। न तो मैं मौत से डरती हूँ न तुमसे।
चाचा को भी नहीं पहचानती। पिताजी कहाँ है? बोलो, पिताजी कहाँ है? तुम्हारे पिताजी तो कब से स्वर्गवास की हवा खा रहे हैं? पिताजी, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। मारा बदला तुम नहीं, मैं लूंगी। अब देखती हूँ कि मेरे पंजे से तुम्हें कौन बचा सकता है। शीना, तुम भूलती हो, विजय अब तक जिंदा है। Thank you.
गली पर बहन चढ़ा दिए जाए। Oh,
मुझे हीरे मिल गए, अब तेरी जरूरत नहीं। Thank you.
बुरे का अंजाम आखिर बुरा ही होता है। लो जुम्बो, इस जंगल के जवाहर की उसी तरह हिफाजत करना जैसे मेरे पिताजी ने की थी। आओ। अब मैं जाती हूँ। अच्छा जिंगो साहब, टाटा। ओ चुलबुली, ओ चुलबुली, चुलबुली यहाँ खड़ी क्या कर रही है, जल्दी चलना। अच्छा जिंगो साहब, फिर से सलाम। टाटा चुलबुली, जल्दी चल, अगर मैं इस जंगल में रह गया तो मैं भी गोली बन जाऊंगा। चुलबुली, जब हम तुम बंबई पहुंचेंगे मैं तुझे मोटर में बिठाऊंगा, जूहू की सैर कराऊंगा, चौपाटी ले जाऊंगा। हाँ, मरीन ड्राइव पे हम तुम हाथ में हाथ डालकर घूमेंगे और मैं गाऊंगा। ओ मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया।